G20 सम्मेलन की सफलता पर राजधानी जयपुर के प्रबुद्ध जनों ने प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है। इनका कहना है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है। में भारत कभी एक जमाना था जब नोक करता था, और आज भारत उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, प्रेसिडेंसी शिप कर रहा है, और जो दुनिया को भारत ने दिखाया है कि भारत के पौराणिक महत्व क्या है और भारत कितना पौराणिक रूप से कितना समर्थ और सशक्त है। जो वन फैमिली वन अर्थ और वन फ्यूचर की जो बात मोदी जी ने की है, वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आज पूरे जगत में, पूरे विश्व में सार्थक रूप हुआ है कि सबको साथ लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो अभी G20 के अंदर बायोफ्यूल अलायंस की बात इन्होंने की है अमेरिका US के और ब्राज़ील के साथ में, प्लस मिडिल ईस्ट में जो समझौते हुए हैं जिसमें चाइना का प्रभाव कम होगा, चाइना के बाद अब पूरी दुनिया भारत को एक उभरे हुए राष्ट्र के रूप में देख रही है, और एक बड़े बाजार के रूप में भी देख रही है, और एक साझेदार के रूप में देख रही है। और इस G20 में जो देश आए हैं वो विश्व के व्यापार के 75% को कवर करते हैं और 85% GDP को कवर करते हैं, और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जैसे प्रधानमंत्री मिले, और इस स्वर्णिम कालखंड को हम देख रहे हैं जिसमें भारत एक अग्रिम भूमिका निभाकर, एक विश्व में अग्रणी भूमिका निभाकर एक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। G20 की अध्यक्षता भारत ने दिसंबर 22 में संभाली है। तब से लगातार भारत के नेतृत्व ने इस और बहुत ही सुदृढ़ और सामूहिक प्रयास से G20 की मानसिकता को इतना परिवर्तित कर दिया है कि आज G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष भारत में आए हैं उनको एक अलग छवि भारत की देखने को मिली है। भारत की ना केवल सांस्कृतिक विरासत बल्कि भारत का जो विश्व में जो एक कुंठा के साथ नाम लिया जाता था उसकी अलग पहचान, उसका परिवर्तित और वास्तविक नाम देने का इस नेतृत्व ने कार्य किया है। विश्व के समस्त आगंतुक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष महात्मा गांधी बापूजी की समाधि पे जाके उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत हमेशा से ही अहिंसा परमो धर्म की नीति पर चला आ रहा है।